ये जो मैंने कुछ दिन पहले जो फूड बनाई थी, ये जो फूड है यही मैंने अभी घोला। ये वार्म वाटर है, गर्म पानी से मैंने इसको फेंट लिया थोड़ा हल्का। आप ऐसे करके चेक करके देख ले कि ये गर्म है या नहीं, उसी हिसाब से खिलाए। मैंने सिलिंच से भी भर लिया है। अब मैं इन लोगों को खिलाऊंगी वही फूड जो मैंने बनाई थी। सो चले दिखाती है एक एक करके खिलाते हैं अच्छे से बजीज के। इसको थोड़ा थोड़ा मैं फीड करा देती हूँ सुबह शाम, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखा है, अभी तक पूरा खाना नहीं सीखा है। सो मैं कैसे फीड कराती हूँ वो दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैं सेंज भर लेती हूँ। और ये 20 ml की है, तो मैं 5-5 ml करके सबको खिला देती हूँ। ये अभी 35 days का हो रहा है, वैसे तो सीख गया है खाना, फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है इन लोगों को। सो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए खा रहा है। 5-5 मिनट करके मैं खिला दूँगी। ये देखिए पेट इसका, देखिए इसका पेट भर गया। ऐसे मैं इसको खिला दिया, अब दूसरे को लूँगी। वैसे तो ये लोग खाना सीख गया है, थोड़ी थोड़ी चुगते हैं दाना मैंने देखा, और फिर भी थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ। 1-2 दिन और खिलाऊंगी, उसके बाद तो ये अपने से ही खाना सीख जाएगा। ऐसे हल्का हाथ से आप इसको अंदर करेंगे तो ये ले लेगा पाइप को, जो बच्चे होते हैं वो ले लेते हैं। देखिए आराम से ले लेगा। देखिए ये ले लिया, अब इसी से ये खाने लग जाएगा। देखिए खा रहा है। तो इसी तरह से मैं सभी को खिला दूंगी, ये पेट इनके भर जाएंगे। तो यही था जो मैंने खाना सिखाया था होममेड, मैं वही खिलाती हूँ। और इसका भी वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगी कि इसका चोट आया था, चोट नहीं आया था, इसकी मम्मी ने ही मारा था। ये देखिए कैसे कर दिया था, इसका फ़ोटो मैं डाल दूँगी, पिक देखिएगा आप लोग कैसा कर दिया था। ये पिछले संडे की वीडियो है, ये नवंबर की लास्ट संडे जो थी उससे अगले संडे की थर्ड संडे की वीडियो है। पूरा ये सर में खून खून कर दिया था, आँख नहीं खुल रहा था, अब जाके ये सही हो गया है। अब खा भी लेते हैं, पहले बहुत परेशान था ये, तो इसको दवाई वगैरह करके मैं सही कर लिया। कुछ दिनों में ये इसका पिक भी मैं आप लोगों को दूँगी या वीडियो डालूँगी मैं बाद में, इसका क्या हाल हो रहा था और अब ये कैसा है। देखिए अब ये लोग, ये देखिए ये उबल रहा है। जब ये उबलने लगे तो फिर प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए उसी टाइम। फिर पोंछ के फिर थोड़ी देर बाद उसको कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। और इसको मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, ये आराम से अपना जितना होता है उतना खा लेता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कमज़ोर है। देखिए खा लेगा। मैं 20 cc का पूरा भर लिया था, देखिए खा रहा है। देखिए इसका भी ये फुल हो गया है, देखिए खा लिया ना। देखिए अब ये आँख खोल रहा है, पहले का देखिएगा आप लोग बिल्कुल आँख भी नहीं खुल रहा था। सो यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। इस तरह से मैं सभी को खिला दूंगी, तीनों को तो खिला दिया, 2 जने और हैं उन दोनों को भी खिला दूंगी। तो यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये खा लेगा अपने आप से। और 2-1 दिन खिलाऊंगी मैं, उसके बाद ये अपने आप सीख गया है। फिर भी एक आदत होती है, धीरे धीरे ही जाती है। पहले 3 टाइम दे रही थी, अब मैं 2 टाइम दे रहा हूँ। इसका वीडियो डला हुआ है क्या फूड कैसे खिलक बनाते हैं, क्या क्या देते हैं। देखिए ये आप ही के सामने करके मैंने दिखाया, ये सारा खा लिया। देखिए इसके फादर कैसे चिल्ला रहा है। तो ठीक है गाइस, ऐसे बच्चों को खिलाया जाता है। ये मैं दाना रख देती हूँ इनको, थोड़ी थोड़ी खाते हैं ये लोग। ये ब्रेड अंडा भी दिया था मैंने, तो अभी थोड़ी थोड़ी करके सीख रहा है, सीख जाएगा जल्दी। ये इसका आज एज हो रहा है, देखिए ये 24 तारीख को बेबी निकला था, 5 बेबी था, 3 को एक्स दिया था,
तो आज हो गया 6 दिन उधर का, इधर का हो गया 30, 36 दिन की हो गई है। 36 कोई 36 का है, कोई 34 का है, कोई 32 का है, कोई 30 डेज का है, तो यही है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ मैं सबको। कल परसों से मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँगा खिलाना, ये अपने आप से खा लेंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, फिर उसे प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। बाय।